के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुप और बात अखिलेश यादव की। बुंदेलखंड में विजय यात्रा के दूसरे दिन सपा अध्यक्ष ने आज ललितपुर से झांसी तक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई सभाएं की और जगह जगह समर्थकों का जोश बढ़ाया। इस यात्रा में ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश के साथ थे। दोनों की भाजपा पर आक्रमण की धार एक जैसी। बुंदेलखंड में अखिलेश का गदाधारी अंदाज। बुंदेलखंड में अखिलेश बने तीरंदाज। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए? और अगर काम वाली सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। बुंदेलखंड में समाजवादी विजय यात्रा के दूसरे दिन ललितपुर में अखिलेश यादव का जोश इसी तरह आसमान पर दिखा। लाल टोपी पहने अखिलेश अपने समर्थकों का हर पल उत्साह बढ़ाते रहे। बुंदेलखंड में भाजपा के अजय किले को जीतने के लिए अखिलेश ने चुभते हुए हमलों की बौछार कर दी। जहां मौसम थोड़ा खराब है, आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब अखिलेश यादव ने ललितपुर से झांसी तक के अपने दूसरे दिन के सफर में गरीबों से बात की, सूखे की बात की, किसानों के नुकसान की बात की और बुंदेलखंड को भूख से जूझता हुआ इलाका बताया। उन्होंने परिवारवाद के भाजपा के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। और अभी अभी नीति आयोग के भी जो आंकड़े आए होंगे वो आप जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं तो वो बुंदेलखंड में हैं। और याद होगा समाजवादी साथियों, 3 लाख वाला गरीबों का आवास इन लोगों को देना शुरू हो गया था। 4.5 साल में इतना दुख तकलीफ परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। जिस समय लॉकडाउन लगा था, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। कि बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है ये मुख्यमंत्री, योगी नहीं है ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। अखिलेश ने 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला किसान, दूसरा महंगाई और तीसरा जातीय जनगणना। हर मुद्दे पर सरकार की नीयत पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं, ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे तैसे इंतजाम करके फसल तैयार भी कर लें
तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चर जाते हैं। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो बताओ बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में दो फसल ले लें। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जब जाति जनगणना की बात होती है तो जो कागज पे जिनकी जाति है वो जनगणना नहीं करना चाहते, और जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते वो आपके कल्याण के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना भी होगी, और भागीदारी के साथ साथ आपके सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश ने बुंदेलखंड के चुनावी मैदान में फिर से युवाओं के लिए लैपटॉप का वादा दोहराया, साथ ही आम जनता से जुड़े बिजली की कीमत के मुद्दे पर भी विरोधियों को झटका देने की कोशिश की। अखिलेश के साथ मौजूद ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ तक कह गए कि अगर सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देंगे। आज अगर बिजली बन रही है बड़े पैमाने पर ललितपुर में तो वो समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से ललितपुर में बिजली दी जा रही है। लेकिन बिजली तो हम लोगों ने बना दी, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब बिल भेजा है तो आपको करंट मारा है कि नहीं मारा बताओ। वैसे तो बहुत नाम बदलते हैं, ये रंग बदलते हैं, और अच्छा है ललितपुर के लोगों आपके शहर में नहीं आए, नहीं तो आपके शहर का भी नाम बदल देते। ये बिजली का प्लांट कैसा है उसका नाम नहीं बोल सकते, और हम तो कहते हैं कि अगर नाम बोल करके दिखा दो तो हमारे ललितपुर के लोग सब वोट आपको दे देंगे। ई बिजली का महंगाई के लिए आइल बा, बिजली का महंगाई के लिए आइल बा, ऐसे निजात दियावे बदे पूर्वांचल की धरती पर 163 विधानसभा सीट है, 150 सीट जितवा करके ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना के दिखाऊंगा, देख लेना। यहां जितना लोग हुआ सुन ला कान खोल के, भैया ही ललितपुर बा, 22 में सरकार बना ला 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी जौड़े दिन शपथ लेंगे, उसके बाद ऐलान होगा 300 यूनिट बिजली फ्री। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले भी किए, जिसे लेकर सियासी माहौल का और गर्माना तय है। अब आखिरी दिन के दौरे पर अखिलेश बुंदेलखंड के लिए अपने आखिरी दांव की झलक दिखा सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।